एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में ओडीआई सीरीज आज से यहाँ पर स्टार्ट होगी, जिसका जो पहला मैच है वो खेला जाएगा आज 3 बजे दोपहर में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा का पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 आएगी वो पता चल जाएगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो पता चल जाएगी, बैटिंग ऑर्डर पता चल जाएगा, सारी चीज़ें मैं आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं मैच के बारे में। 3 बजे मैच स्टार्ट होगा, मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, और ये जो विकेट है भाई बैटिंग के लिए अच्छा होता है और यहाँ पर बॉलर्स को थोड़ी सी कम हेल्प होती है। एवरेज स्कोर 280 से 320 के बीच में बन सकता है। पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की, तो न्यूजीलैंड की जो टीम है यहाँ से ओपन कर सकते हैं फिन एलन और यहाँ पर डेवन कॉनवे। फिन एलन की बात करूँ तो देखो, पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई भी मैच नहीं खेला, अपने ओडीआई करियर में इसके नाम 11 मैच में 387 रन 38 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो इसका T20 का रिसेंट फॉर्म है, आप देख सकते हो 90 है, 4 है, 21 है, 33 है, 78 है, भाई हीटर प्लेयर है। और ये जो विकेट है ना, इस बंदे को सूट कर सकता है। तो अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं फिन एलन पर रिस्क लूंगा, इसको मैं टीम में रखूंगा अगर पहले बैटिंग करती है, क्योंकि ये आते ही हिटिंग करेगा बहुत खतरनाक वाली। डेवन कॉनवे है, इसने भी अपने ओडीआई करियर में 12 मैच में 425 किए हैं, शानदार टेक्निकली साउंड बैटर है। रिसेंट फॉर्म 25-59-24, 9 बैटिंग 38 नॉट आउट है। केन विलियमसन आएंगे यहाँ पर हेड टू हेड में, 18 मैच में 939 रन 55 का एवरेज है इनका पाकिस्तान के खिलाफ और 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म तो आपको पता ही है, बहुत शानदार है, 40-61-46-61-94 नॉट आउट, मतलब 40 से नीचे तो इनकी कोई इनिंग है ही नहीं लास्ट के जो कुछ मैचेस हुए ना वहाँ पर, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद में अपन चले यहाँ पर तो टॉम लेथम आएंगे, विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। हेड टू हेड में रिकॉर्ड इनका उतना खास है नहीं, 16 मैच में 238 रन मात्र 19 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 145 नॉट आउट, 9 बैटिंग 17 नॉट आउट, 7-35 है, ठीक ठाक सा इनका फॉर्म है। डैडली मिचेल आएंगे यहाँ पर नंबर 5 पर, ओडीआई करियर में 13 मैच में 373 रन 53 का एवरेज, 4 विकेट है, हिटर प्लेयर है लेकिन रिसेंट फॉर्म इसका उतना खास है नहीं, 10-10-11 9 बैटिंग 3 विकेट है। ग्लेन फ्लिप्स आएंगे यहाँ से, 9 ओडीआई के मैच में 157-31 का एवरेज, 3 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 62-17-6-12-54 है। फिर आएंगे यहाँ से माइकल ब्रेसवेल, ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, 13 ओडीआई के मैच में 264 रन किए, 10 विकेट है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवाएगा और रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 11-0 विकेट 0 विकेट है। और जो पाकिस्तान की टीम है उसमें 2-3 लेफ्ट हैंडर मिलने वाले हैं आपको टॉप ऑर्डर में, तो भाई माइकल ब्रेसवेल काम आ सकता है। मिचेल सेंटनर है, हेड टू हेड में 8 मैच में 77 7 विकेट है, ये भाई हमेशा ही मतलब टाइट गेंदबाजी करता है, रन नहीं देता है और विकेट भी ले लेता है, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट रिसेंट फॉर्म है। ईस्ट ओडीआई है, लेग ब्रेक बॉलर है, 37 ओडीआई में 48 विकेट है और हेड टू हेड में 3 मैच में 37 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 48-1 विकेट 3 विकेट 9 बॉलिंग और 19-0 विकेट है। लॉकी फर्ग्यूसन है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड देखो आप इसका, पाकिस्तान के खिलाफ 9 मैच में 19 विकेट, बहुत शानदार रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है। टिम साउदी हेड टू हेड में 17 मैच में 83-25 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। तो मैं यहाँ से देखो अभी के लिए किसको पिक कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं रख रहा हूँ डेवन कॉनवे, केन विलियमसन और टॉम लेथम। टॉम लेथम को मैं तब पिक करूंगा जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर चेज करेगी, अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं टॉम लेथम को ड्रॉप करके फिन एलन को अपनी टीम में यहाँ पर रखने वाला हूँ। इसके अलावा मैं नीचे से ब्रेसवेल या फिर सेंटनर में से किसी एक को रखूंगा और नीचे से यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन और टिम साउदी को रखूंगा। इनके अलावा बेंच पर कौन कौन है, तो यहाँ से मैट हेनरी तो अवेलेबल है नहीं, तो इनके अलावा हेनरी निकल्स हैं, अगर फिन एलन ओपन नहीं करते हैं तो फिर हेनरी निकल्स ही ओपन करते हैं। हेड टू हेड में 10 मैच में 238 हैं, रिसेंट फॉर्म 23-40-5-19 है। ब्लेड टिकनर है, 6 ओडीआई में 9 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। हेनरी सिप्ली को भी यहाँ पर बुलाया गया है, लिस्टे के मैच खेले हैं, 38 मैच में 486-37 विकेट है, ऑलराउंडर प्लेयर है ये, रिसेंट फॉर्म 11-1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 17-1 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे टिम साउदी लॉकी फर्ग्यूसन, डेथ के ओवर डालेंगे टिम साउदी लॉकी फर्ग्यूसन मिचेल सेंटनर।
अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पाकिस्तान की टीम की। तो पाकिस्तान की जो टीमें यहाँ से ओपन करेंगे इमाम उलहक और फ़खर जमान। इमाम उलहक की बात करो तो देखो ओडीआई करियर में 54 मैच में 2528 रन 52 का एवरेज है और हेड टू हेड में 4 मैच में 71 रन 23 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में इनका नहीं लिखा क्योंकि ये हाल फिलहाल में टेस्ट खेले हैं, वनडे और टी20 ये नहीं खेले, लेकिन इनका फॉर्म ठीक ठाक सा है। चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। फ़खर जमान हेड टू हेड में देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मैच में 313 हैं, रिसेंट फॉर्म 0-20-52-32-7 हैं। दोनों जो ओपनर हैं ना इनमें से किसी एक को रखेंगे। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से जाऊं तो फ़खर जमान अच्छा है, लेकिन अगर आप टेक्निक के हिसाब से जाना चाहते हो तो फिर इमाम उलहक बेस्ट है। बाबर आजम है भाई कोई डाउट ही नहीं है टीम में रखना है। हेड टू हेड में भी 11 मैच में 415 हैं, रिसेंट फॉर्म 4-6-25-53-32 हैं। मोहम्मद रिजवान है भाई, मोहम्मद रिजवान ना आपने देखा होगा टी20 में बहुत खतरनाक खेलता है, लेकिन भाई ओडीआई में आता है ना इसका जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाता है। आप रिकॉर्ड भी देख लो भले से 49 ओडीआई में सिर्फ 1065 रन और मात्र 29 का एवरेज है। हेड टू हेड में एक मैच में 16 है, रिसेंट फॉर्म 49-4-32-57-15 है। फिर आएंगे यहाँ से हारिस सोहेल, काफ़ी टाइम बाद कमबैक कर रहा है बंदा, ये लेफ्ट हैंड बैटर है और हार्ड हिटिंग करेगा नीचे आके और पार्ट टाइम थोड़ी बहुत बोलिंग भी करवा सकता है। हेड टू हेड में 11 मैच में 505 50 का एवरेज 7 विकेट है। अब इसको ना लोग बहुत कम क्या लेंगे ही नहीं, लोग जा रहे हैं सब मोहम्मद रिजवान के साथ, लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो ना रिजवान को ड्रॉप करके आप हारिस को भी रख सकते हो, अगर स्पेशली अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि फिर हारिस का रोल बढ़ने वाला है। रिसेंट फॉर्म लिस्टे खेल के आ रहा है डोमेस्टिक लेवल पे, 15 है 92 है 9 बैटिंग है 14 है 8 रन 0 विकेट है। आगा सलमान है 3 ओडीआई में 101 रन 101 का एवरेज 0 विकेट है। मोहम्मद नवाज हैं ओडीआई करियर में 22 मैच में 253 31 विकेट है, हेड टू हेड में एक मैच में 22 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 4 रन 1 विकेट 5 रन 20 रन 1 विकेट और 10 रन 0 विकेट है। नशीम शाह 3 ओडीआई खेले थे इसने, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे 3 में 10 विकेट भाई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं ये जो ओडीआई खेले थे ये खेले थे इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ, इसलिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, फॉर्म थोड़ा खराब है। मोहम्मद वसीम है ओडीआई करे में 8 मैच में 15 विकेट है और ये थोड़ी बहुत हिटिंग भी कर लेगा एंड में आके। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। हारिस लोप 15 मैच में 29 विकेट है करियर में, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। फिर यहाँ पर चलो शहनवाज धानी है ओडीआई करियर में 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म लिस्टे का इसका बहुत अच्छा फॉर्म है, 6 विकेट 2 विकेट 11 1 विकेट 1 3 विकेट 4 1 विकेट है। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ, इमाम को रख रहा हूँ मैं, बाबर को रख रहा हूँ, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को टीम में रख सकते हो आप, इनके अलावा मोहम्मद नवाज हैं और नीचे से मोहम्मद वसीम और हारिस लोप को रख रहा हूँ। बाकी बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके स्टैट्स देख लो एक बार। शान मसूद हैं 5 ओडीआई में 111 हैं, रिसेंट फॉर्म 12-2-24-3-38 हैं। कामरान गुलाम है, इसका फॉर्म बहुत ही तगड़ा है इसीलिए इसको टीम में लाया भी गया है। लिस्ट ए के 61 मैच में 2138 रन 44 के एवरेज 59 विकेट है, लेकिन हाल फिलहाल में इसने ना बॉलिंग नहीं करवाई सिर्फ बैटिंग की है, लेकिन बैटिंग आप देखो एक बार 98 नोट आउट 123 नोट आउट 0-92 118 नोट आउट, बहुत खतरनाक फॉर्म में बंदा। तैयब ताहिर ने लिस्टे में 49 मैच में 2110 रन 43 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है 0-30-59-58-71। मोहम्मद असनैन 8 ओडीआई में 43 रन 12 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट है। उस्मान मीर लिस्टे में 40 मैच में 282-63 विकेट है और रिसेंट फॉर्म 29-5 विकेट 22-3 विकेट 1-5 विकेट 3-1 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे नसीम शाह, शहनवाज धानी, मोहम्मद नवाज, डेथ ओवर डालेंगे हरीश रोफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे यहाँ पर डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूं मैं यहाँ पर डेमो टीम की तो डेमो टीम में आप देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है अभी के लिए टॉम लेथम को, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं फिन एलन को रखूंगा। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से डेवन कॉनवे, इमाम उलहक, बाबर आजम, केन विलियमसन है। ऑलराउंडर सेक्शन से मिच सेंटनर, मोहम्मद नवाज है। बॉलिंग सेक्शन से हारिस लोप, मोहम्मद वसीम, लॉकी फर्गुसन, टिम साउदी हैं। कैप्टन मेरे यहाँ से डेवन कॉनवे, वॉइस कैप्टन बाबर आजम है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।